ये फूल चढ़िया देखो भाई, किसकी है पता नहीं। एक बार आके रूम भी चाहिए। ठीक ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा, नहीं साउथ गोवा, साउथ गोवा जा रहे हैं। तो अभी भाई अपना भाई कार निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तकल में आ रहा था तब उन्होंने कार ले रखा होता है। तो आज हम जाएंगे इस कार में। आ जाए। तो भाई होप कि ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, कल वाली वीडियो ना आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमने दिन का शुरुआत किया है अपने कार से। हम जा रहे हैं सीधा पुलवामा, पुलवामा में जा रहे हैं। पुलवामा नहीं रे, पुलवामा का हो तो कश्मीर है, ओलम ओलम बीच में जा रहे हैं। तो गाइस देखते रहिए है ना, तो देखते हैं आज क्या क्या वहाँ पे घूमने को मिलेंगे। कल तक हम था यहाँ पे बागा बीच में, कल मैं गया था स्कूबा में, वहाँ से आया गाइस। कल थोड़ा मतलब वो एंड नहीं कर पाया था वीडियो को, क्योंकि कल बैटरी भी लूल हो गया था और वहाँ पे एक्टिविटीज इतना था कि गाइस क्या बताए, मैं थक ही गया। मज़ा तो मज़ा अलग। तो गाइस देखते रहिए आज का वीडियो, मज़ा होने वाला है और देखते रहिए, मस्त होके देखते रहिए गाइस, स्किप मत करना, मज़ेदार आने वाली है। जहाँ बीच होते वहाँ पे ऐसा दुकान होता है गाइस। आज मैं फिर से एक टी शर्ट लूँगा, मजो वाला टी शर्ट, क्योंकि ये वाला टी शर्ट पहन के मैं बीच पे कैसे जा सकता हूँ। पहुँचा गाइस, लुक अभी यो है मेरा फैन, यो देख रहा है अपना ब्लॉग, देखो बिग फैन। हाँ। तो इधर एक भाई आया हुआ, देखो एक बार आके रूम भी चाहिए। नहीं रूम तो नहीं, हम वापिस जाएगा, आज नहीं बैठेगा। चश्मा ले लेता हूँ, मेरा चश्मा गुम हो गया है। अभी यहाँ से देखते हैं कुछ चश्मा, बड़ा वाला चश्मा मिल जाए तो। चश्मा है भैया, डिस्काउंट नहीं दे रहे मेरे को, देख लो डिस्काउंट नहीं दे रहे भाई, दे दो डिस्काउंट, दे दो ले लो। हाँ ठीक आंटी जी, चश्मा कितने का अंकल जी? मेरे को तो बड़ा सा चाहिए, कोई बड़ा सा। देखो यो वाले गाड़ियों को दरवाज़ा है, लेकिन ड्राइवर सीट पे नहीं है दरवाज़ा। जहाँ काल था यहाँ दिल्ली में तो दरवाज़ा नहीं है, उस ऑटो वालों का बड़ा डेंजर है। अभी यहाँ के ऑटो है, हाँ ये ऑटो का तो दरवाज़ा है, पैसेंजर दरवाज़ा सेफ्टी, नहीं तो कोई उठा के चुरा के अब उनका सामान भाग गया तो क्या करेगा। यहाँ कपड़े अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा अच्छा कपड़ा दिख रहा है, अंदर तपला भी है, तपला। भैंसा सिंह बड़ा खतरनाक है इसका, देखो। तो कैसे देखो कौन सा बीच है, ये बीच छोटा लग रहा है मेरे को तो। देखो गाइस फिर से हम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा नाव है। हाँ लेकिन एक बात है, यहाँ पे रेस्टोरेंट साथ में, ये चीज़ मज़ा है, रेस्टोरेंट बिल्कुल साथ में, बीच को देखते हुए आप मज़े कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखने के बाद कुछ खास नहीं लग रहा है ये बीच, लेकिन यहाँ पे रूम तो अवेलेबल है बिल्कुल बीच के सामने। लगता है कि यहाँ पे आना डिसीजन गलत लिया हम तीनों ने, तो आ ही गए तो अभी घूम ही लेते हैं। और देखो गाइस मेरे दोस्त दोनों इधर से घूम के आ रहे, बेचारे दोनों मुँह लटका के, सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। तो देखते यहाँ पे जाके बात करते हैं दोनों को, थोड़ा आगे तो जाना पड़ेगा रे। अरे जाना पड़ेगा आगे, जान क्यों है अंकल, ये सब वो सब क्यों बंद है? वो बंद है, वो ओनर दिया नहीं चलाने के लिए। अच्छा ओनर क्यों? वो उनको बहुत है, 48 ओनर है उसका। ओ तब वहां से अच्छा चला दिया, फिर चलाने क्यों नहीं दिया? झगड़ा हो रहा है उनमें। अच्छा डिवाइड करने वाले। अच्छा ये बात है, ये किसका आपका डोगी नहीं बस कुछ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आके रहना चाहते हो तो यहाँ पे अच्छा तो वुडन होम मिल जाएंगे आपको यहाँ पे रेंट के लिए, ये रूम अवेलेबल हो सकता है, कितने का होगा लेकिन नहीं पता। अभी हम तीनों देखेंगे ऐसे वाले में, एक में हम भी रहेंगे। और... चाहिए बस
रेगुलर चाय, मिल्क टी, ग्रीन टी, वाट टी। तो गाइस ये है वाटरमेलन। ये क्या है तेरा, कौन सा वाला शेक? शेक पी रहा है और ग्रीन टी पी रहा है, कॉफी कॉफी सॉरी। तो कुल मिला के गास अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि इस बीच से ये वाले बीच में एक मज़ा नहीं आ रहा है किसी को भी। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, शायद बागा बीच वापस जाएंगे या तो नहीं, पता नहीं है अभी कुछ। तो ये वाला बीच है कोलालम बीच, अगर आप इस पे आना। लेकिन यहाँ पे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे भीड़ नहीं रहता है। अगर और मेरे ख्याल से बॉस्को से थोड़ा नज़दीक है, अगर आप आते हो तो बॉस्को से भी आ सकते हो। यहाँ पे इसके थोड़ा सा पीछे बिना बीच भी है। पर्सनल 5000 शेयरिंग 2500 अभी क्या करना है, 1800 रुपये में डील कर दो। ये लोग अभी आप देख, आपको देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, मेरे को सब देखता है। 1800 में डन करो बस, ठीक है। तीनों जाएगा, ठीक है, तीनों जाओ ना। तो मैं 2000 बोला ना, ढेर लेके जाए। कितना हुआ दोस्त? 60। ओके थैंक यू भाई। तो ये दो आ गया भाई मेरा दोस्त। लाइफ जैकेट। You don't say your price to other people, okay? Okay. They will pay 1000. After you say them price, तुम्हारे साथ से इतना पैसा लेगा। नाम नाम? सत्या। सत्या कहाँ से? सत्या भाई कहाँ से? ये इधर हम पलोल। लोकल हो? लोकल। हाँ, तभी हम वो कर रहे हैं। एडवांस पेमेंट 1000 चलेगा? हाँ 2000। Everything is okay. Everything make very good trip. Don't worry. 1000 तो 1500 ले लो। इधर रुक जा। वापिस इधर छोड़ेगा ना? सर इधर ही छोड़ेगा आप। तो गाइस अभी प्लानिंग फिर से चेंज, अभी हम तीनों जा रहे हैं फिर से एक दो तीन जगह पे घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई है, कुछ हनीमून है, कुछ कौन सा बीच था वो वाले बीच पे हम दो तीन बीच पे घूमने के लिए जा रहे हैं एक दो घंटे के लिए। वो पानी इधर आ रहा है पीछे पीछे, तो उधर जाके वापस आएंगे हम। तो शायद हम तीनों के लिए 2000 लिए, मेरे ख्याल से 2000 ज़्यादा लिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो अगर दो आदमी जा रहे हैं तो 2000 मांग रहा था, तीन आदमी जाएगा तब भी 2000 मांग रहा था। फिर हमने बोला चल चल ले। मैं तो कल गया था, मेरे को समुंदर में सी सिकनेस हो रहा था गाइस, क्योंकि ना अंदर से बहुत उल्टिया वॉमिटिंग वगैरह होता है, सर दर्द होना शुरू हो गया मेरा। तो देखते उधर जाके फिर भी एक बार चलते क्या होता है, देखते। काम What is this? This is flying. Pankajet. Was a shooting. Everywhere shooting. Ghosting. और ये देखो मेरे दोस्तों, देखो मेरे पास वो चश्मा भी नहीं है, दोनों के पास है। अभी हम समुंदर के बीच एक आइलैंड है, छोटा सा, इधर आ चुके हैं हम। यहाँ से भैया लेके जा रहा है हमें। ओ ये तो बहुत दूर लेके जा रहा है, फिर से शुरू हो गया। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बटरफ्लाई बीच में। इसका लॉजिक क्या था, हमें लगा कि यहाँ पे बहुत सारा बटरफ्लाई होगा, लेकिन
यहाँ पे था नहीं, इसका शेप आइलैंड का शेप बटरफ्लाई जैसा है, तो हम इसके अंदर घुस रहे हैं, थोड़ा हमें टाइम मिला यहाँ पे घूमने का, तो देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या है। जाने का रास्ता तो है, कहीं शेर शूर सांप सूंप ना आ जाए, तो देखते हैं गाइस। यहाँ तो बहुत सारा आदमी आके कचरा फेंक के गया, गाइस ऐसा मत करो यहाँ पे, ये देखो प्लास्टिक है गाइस, ऐसा करेंगे तो हमें बटरफ्लाई आइलैंड देखने को नहीं मिलेगा गाइस, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये देखिए कितना सारा फेंक दिया आके यहाँ पे, बॉनफायर तो करो ठीक है लेकिन फेंकना ठीक नहीं है। तो गाइस कुल मिला कि इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है, ये देखो यहाँ से रास्ता बंद है, अभी फिर से हम वापिस जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, तो गाइस ऐसा मत कीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं वापिस बटरफ्लाई के बाहर, इसके बाद हम जा रहे हैं हनीमून बीच पे, हनीमून बीच, उसके बाद कौन सा बीच था वे? बीच नहीं आइलैंड, बीच नहीं, हाँ आइलैंड आइलैंड, हनुमान हनुमान नहीं, हनीमून। देखो इधर भी कचरा, उधर भी कचरा, और देखो इधर भी कचरा, उधर भी कचरा, ये देखो गाइस इतना सारा कचरा बटरफ्लाई आइलैंड पे, ये देखो गाइस साफ नहीं कर सकते, तो शायद कचरा तो नहीं फैलाना चाहिए हमें, तो देखो इतना सारा कचरा, इधर देखो ये चड्डी भी फेंका हुआ है इधर, तो ये देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो अगर कोई देख रहे आप जा रहे हो गोवा साउथ गोवा में, साउथ गोवा में अगर आपको लेके जाएगा, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो बटरफ्लाई आइलैंड पे, तो एटलीस्ट वहाँ पे जाके गंदगी ना कीजिए, साफ नहीं कर सका तो गंदगी तो मत फैलाइए। देखो कितना सारा फेंक दे इधर, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा गाइस, गाइस हर जगह पे कचड़ा है यहाँ तो, इतने मस्त जगह पे। अभी देखो ये कुछ तरह का इस तरह का व्यू है गाइस, इस आइलैंड को कहते हैं बटरफ्लाई आइलैंड। हमारी बोट आ गई वहाँ से, हम जाने को रेडी है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी है क्योंकि गाइस इतने मस्त है जगह, अच्छी है आइलैंड, पूरा गंदा करके रखा हो यहाँ पे, अरे बार बार दिमाग ख़राब हो जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ इतना गंदा तो नहीं करना चाहिए, यहाँ तो बहुत ही गंदा है गाइस। तो कोई भी अगर कोई अथॉरिटी वाले यहाँ पे देख रहे हो तो कंसर्न डिपार्टमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको देखे, नहीं तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा पूरा ये बटरफ्लाई पूरा कौन सा आइलैंड बन जाएगा, कचड़ा आइलैंड बन जाएगा, एक्सपोर्ट और कम बटरफ्लाई आइलैंड। ये था गाइस हनीमून का बीच आइलैंड, वेरी गुड आइलैंड। सन टू सी मिला के गाइस हम लोग थक चुके हैं घूम के, आगे पीछे घूम के जाना था वापस, कुछ और हो गया, अभी फिर हम बैठेंगे ऐसे कमरे में बैठेंगे अगर कोई कमरा खाली मिला तो। फाइनली गाइस हम एक रूम लेने जा रहे हैं, अभी देखते हैं इसका रूम दिखा रहा है हमें ये भैया जी, अभी जाके देखते हैं कैसा वाला रूम है, फिर से कैंसिल गाइस वाला रूम भी कैंसिल, रूम तो अभी दूसरा जगह पे लेके जा रहा है भाई, चलो गिरूँ। फिर से कमरे रूम को देखने आया हम, यहाँ पे देखते हैं 1500 बोल रहा है ये कैसा है। तो भाई अभी हमने को रूम मिल लिया, भाई ने रूम दिला दिया। ओ गाइस रमन भाई के साथ जा रहे हम, हाँ देखो स्कूटी पे मज़ा आता है यार, ये गाड़ी ले लिया ना ये दोनों ने जिद करके, नहीं तो इसमें मज़ा है ना यार, हवा खाते खाते ट्रैफिक से भी कहीं से भी निकल जाता है। ओ अपना गाड़ी पार्किंग हो रहा है यहाँ पे। रमन हिमाचल से भाई, ये भी हिमाचल का बहुत मिले यहाँ पे। तो रमन देखो इधर, रमन इधर काम करता है पीछे ना, चार मीनार यहाँ पे, वहाँ पे प्रॉपर्टी, अभी जिस जगह पे प्रॉपर्टी पे हम ठहरे वो भी रमन ने वो किया हुआ है, सजेस्ट किया हुआ है,
ए रमन बहुत लंबा आदमी है, हाथ लंबा वाला आदमी, आदमी भी लंबा है। ये फूल जड़ी है देखो भाई, किसकी है पता नहीं। हमें यहाँ पे दिल के कुछ यहाँ पे तो कैसे देखो अभी आज का रूम कुछ इस तरह का है। हम सबसे पहले देखेंगे आप लोगों को बाहर जाते ही, ये देखो अंदर आते ही यहाँ पे ये है वॉशरूम, बहुत बड़ा सा वॉशरूम है, ठीक है काफ़ी अच्छा है। तो अंदर ये, उसके बाद ये बेड है, अच्छा सा स्वीट बेड जिसके ऊपर आज मैं सोऊंगा, एक बंदा नीचे सोएगा। तो एक ये बड़ा सा अपने घर में एक पेड़ भी है, ये देखो ऊपर वाला पेड़ ऊपर तक जा रहा है। तो उसके बाद एक हीटर भी है यहाँ पे, है ना, ठंड लगे तो हीटर लगा सकते हैं। अच्छा तो बड़ा अच्छा है, वहाँ पे सामने से कुछ वॉल पेंटिंग है तो कुछ इस तरह का है। तो बस अभी पहुँच चुका हूँ कमरे में, तो यहाँ तक लाया था अपना रमन भाई हिमाचल से ना, हाँ तो ये अच्छा कमरा दिलाता है। तो इसका नंबर मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर फ़ोन कर लेना जब भी गोवा हो गया। हाँ ये वाला कमरा था कि 800 का था ना, 800 का है ना अभी, अभी इस टाइम पे है, बाकी जनवरी 31 को आएगा तो आपका सारा 5,000 होना है। तो मतलब फिर भी मतलब जो भी हो उस टाइम 5,000 होगा तो लगभग आप 4,000 में दिला दे, इतना तो कर सकता है लगभग, तो शायद इतना कर सकेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ पे हम गए थे 2-3 जगह पे ऐसे सेम रूम था भाई, सेम रूम का हमें 2015 समथिंग ऐसा मार रहा था, लेकिन सेम टू सेम इसने 800 में दिला दिया। थैंक यू भाई, ओह थैंक यू। तो गाइस आज मैंने ख़रीद लिया एक चश्मा, बढ़िया सा चश्मा, रोबोट वाला चश्मा। तो गाइस कमेंट में बताना कैसा लग रहा है ये वाला चश्मा। गाइस टुडे वी रोबोट गाइस, इसमें लोग वेरी गुड ग्लास, सन ग्लास, यूवी प्रोटेक्टर, एक्सरे, बहुत कुछ इससे कर सकते हैं हम, हाँ बचाने के लिए गाइस ऐसा आप लोग खरीद सकते हो, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है रात को, फीलिंग रोबोट वाला फीलिंग गाइस।